नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में जाने पिछले 12 घंटे में क्या कुछ हुआ। देर रात एक वीडियो के माध्यम से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले कुछ घंटों में रूस कीव पर हमला कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से भी बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने बेनेट से रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की अपील की है। साथ ही शनिवार सुबह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी उनकी बात हुई है। यूक्रेन के हजारों लोग युद्ध और रूसी सेना से बचने के लिए पड़ोसी देशों पोलैंड, रोमिया, हंगरी और स्लोवाकिया जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया ट्रेस ने यूक्रेन में हमला कर रहे रूसी सैनिकों से अपील करते हुए कहा है कि सैनिकों को अपनी बैरक में लौटने की जरूरत है। साथ ही नेताओं को शांति बनाए रखने की और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार सुबह राजधानी कीव में भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई हैं। यूक्रेन की न्यूज वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार सुबह राजधानी में 50 से ज्यादा धमाके और भारी मशीन गनों से फायरिंग की सूचना मिली है। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमें हथियार चाहिए, ना कि सवारी। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स और स्पुटनिक ने देश के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण में मेलितोपोल नाम के शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के दक्षिण पश्चिम में शनिवार सुबह दो मिसाइल हमले होने की भी खबर है। कीव की स्थानीय सरकार का कहना है कि एक मिसाइल एक रिहायशी इमारत पर गिरी है, तो वहीं रॉयटर्स के मुताबिक एक और मिसाइल राजधानी के जुलियानी एयरपोर्ट के पास गिरा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि हमले में शामिल रूस के 3500 सैनिक मारे गए हैं और 200 को बंदी बनाया गया है। सेना ने कहा है कि रूस अब तक 14 एयरक्राफ्ट, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक खो चुका है। इस बीच कई देशों ने यूक्रेन को मदद की पेशकश की है। बाइडेन ने $350 मिलियन की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर ने कहा है कि कल रात भर शहर में हुई लड़ाई में 35 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन में रूस के हमले में 198 नागरिकों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन के एक बड़े रक्षा अधिकारी ने कहा है कि ब्रिटेन और 25 अन्य देशों के बीच यूक्रेन को और मानवीय सहायता या हथियारों की सहायता देने पर सहमति हो गई है। वहीं रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि वे यूक्रेन के शहरों को निशाना नहीं बना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युद्ध के बीच नागरिकों का पलायन भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 1,00,000 यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर पोलैंड जा चुके हैं। आगे का घटनाक्रम कुछ ही देर में। बने रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।